बड़ी खबर से हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। खट्टर सरकार ने आरक्षण पर अधिसूचना जारी की थी जिसके खिलाफ हरियाणा उद्योग संघ हाईकोर्ट पहुंचा था और अब हाईकोर्ट ने ये जो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का फैसला सरकार ने लिया था उस पर रोक लगा दी है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, इस खबर के क्या मायने निकाले जाए? स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की बात खट्टर सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं जरूर उसमें सरकार अपने फायदे को देख रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, ये सियासी फायदे से जुड़ा हुआ मसला था और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो था कि जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी तो पावर में आने के बाद वो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिलवाएंगे उसमें। और इंडस्ट्री एसोसिएशन कई जगह से इसका विरोध कर रही थी। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट ने भी ये कहते हुए स्टे दिया है, इस पर रोक लगाई है कि ये टैलेंट से जुड़ा हुआ मसला है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको हाईली टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो स्थानीय लोगों को 75% नौकरी पर रखना उसकी मजबूरी होगा तो उसके पास हाई स्किल्ड हाई टैलेंटेड लोग कैसे आएंगे। इस आधार पर जो है फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन की याचिका पर ये स्टे लगाते हुए हरियाणा सरकार को जवाब देने के लिए भी कहा गया है, लेकिन ये एक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और इंडस्ट्रियलिस्ट इसके खिलाफ थे। ABP News आपको रखे आगे।